नाजरीन आदाब, VSM प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया। आइए आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आसेगांव से हमारे संवाददाता मुख्तार सागर की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाशिम जिले के पोहरा देवी में भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने यहां बंजारा हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा समुदाय की संस्कृति और संतों के आध्यात्मिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, बंजारा समाज के संतों ने भारत के आध्यात्मिक क्षेत्र को नई ऊर्जा दी है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि ये संग्रहालय बंजारा समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने वाला एक आइकॉन बनेगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बंजारा समुदाय की तारीफ करते हुए कहा, बंजारा समाज ने अपनी काशी को खुद बदलने का कार्य किया है। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को भी खास सौगात दी। PM किसान निधि के तहत 9.5 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही नमो शेतकरी महासम्मान योजना की 5वीं किस्त भी किसानों को वितरित की गई। इसके अलावा 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों का शुभारंभ हुआ और 7,500 से अधिक कृषि परियोजनाएं भी शुरू की गईं। एक खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोहरा देवी जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की और नगाड़ा बजाकर इस परंपरा को निभाया। यह मंदिर बंजारा समुदाय के लोगों के लिए खास महत्व रखता है और यहाँ नगाड़ा बजाना एक प्राचीन धार्मिक रिवाज है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए VSM प्राइम के साथ और पाए हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले। मैं हूँ आपकी होस्ट अनाया। धन्यवाद।